नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं कुछ टेस्टी पेस्टी के वन लाइनर जो कि न केवल टेस्टी पेस्टी के लिए बल्कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम टिंडल ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश इन 1525। विलियम टिंडल ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1525 में। गायनो क्रिटिसिज्म इज अ टर्म कॉइंड बाय एलेन सोवाल्टर। गायनो क्रिटिसिज्म एक टर्म है जो एलेन सोवाल्टर के द्वारा कॉइंड किया गया है। ओथेलो वाज गुड कमांडर, जो ओथेलो है ये ओथेलो प्ले में एक गुड कमांडर है। ईच यूनिट ऑफ राइम रिदम इन इंग्लिश पोएट्री इज कॉल्ड फूट। द ऑक्सफोर्ड मोमेंट रिन्यूड द कैथलिक इनहेरिटेंस ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। वन ऑफ द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन जर्मन एंड इंग्लिश रोमांटिसिज्म इज टी एस एलियट। जर्मन और इंग्लिश रोमांटिसिज्म के बीच जो एक लिंक है वो कौन है? एस टी कॉलरिज है। टू अनस्टेट्ड सिलेबल आर फॉलोड बाई वन स्टेट सिलेबल इज अ पोएटिक लाइन्स इज एनापेस्ट। ये एनापेस्ट होता है। टू अनस्टेट सिलेबल एंड वन स्टेट सिलेबल। याम्ब याम्ब होता है अनस्टेट सिलेबस फॉलोड बाई स्टेट सिलेबल, और जो कि याम्ब का उल्टा होता है टॉकी, ये होता है स्टेट सिलेबल फॉलोड बाई अनस्टेट सिलेबल। पीरिक पीरिक में होता है कि टू अनस्टेट सिलेबल होता है। अस्पॉन्डी में टू स्टेट सिलेबल होता है। अडेक्टिल में वन स्टेट सिलेबल फॉलोड बाई टू अनस्टेट सिलेबल। स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा, इसको किसने लिखा है? वाल्टर पेटर ने। फोर मीनिंग्स ऑफ पोइट्री इज गिवेन बाई एलियट, जो पोइट्री की फोर मीनिंग्स हैं वो एलियट के द्वारा दी गई हैं। इन 1800 प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड फर्स्ट पोएम इज एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, जो 1800 में लिरिकल बैलेड का प्रीफेस आया है उसकी फर्स्ट पोएम है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। पी बी सेली रिप्लाइड पीकॉक्स द फोर एजेज ऑफ पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइट्री में। क्वीर स्टडीज क्वाइंड बाई ट्रेसा डी लॉरिटिस। डेथ ऑफ डिसिप्लिन 2003 बाई गायत्री स्पिवाक। डेथ ऑफ डिसिप्लिन जो है 2003 में पब्लिश हुई है, गायत्री स्पिवाक के द्वारा लिखी गई है। ये लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट, दिस लाइन टोल्ड बाई लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ। कम वाट कम वे टाइम एंड द आर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, दिस लाइन अपियर इन मैकबेथ एक्ट वन सीन थ्री। प्रॉब्लमिस्ट प्रॉब्लमिस्ट का मतलब वन हु सेव्स सॉल्व्स प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लमिस्ट होता है वन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, मतलब जो समस्याओं को समाधान करता है। न्यूशांस एन यू आई एस ए एन सी ई, न्यूशांस होता है वन हु क्रिएट प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और सभी को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।